हम और आप लोग अगर एक साथ कहीं जुड़े हैं, किसी भी मंच पे कोई भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपको डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, कुछ भी, सिर्फ एक वजह सिलेक्शन होगा नहीं, सिलेक्शन हो रहा है यहीं से। सिलेक्शन होगा नहीं, सिलेक्शन हो रहा है यहीं से और होता रहेगा। इस साल पीडब्ल्यू ने बहुत ज्यादा मैसिव 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 रिजल्ट्स दिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन। ये तीसरा साल है पीडब्ल्यू का और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आए। एक बात आप लोगों को आज मैं कहना चाहूंगा, एक बात आपको आज समझनी होगी। आराम से नहीं, दो चार बातें कर रहा है, अलग से सुन लो एकदम शांति से। अरे क्या, शांत हो जाओ, पहले एक बार शांत हो जाओ, सुन लो सर क्या कह रहे, सुन लो एक बार, फिर बात कर लेना। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही है। तो एक बात मैं आप सबको आज एकदम अच्छे से समझा देना चाहता हूं कि किसी भी कोचिंग का AIR 1, AIR 2, AIR 10, AIR 100, AIR 1000, ये कभी भी किसी भी कोचिंग का हो ही नहीं सकता। रिजल्ट्स, सिलेक्शंस कभी किसी कोचिंग के हो ही नहीं सकते। रिजल्ट आपके हैं, आपकी 18 साल की मेहनत के हैं, आपके माँ बाप की मेहनत के हैं, पहली बात ये समझ लो। ये जो ट्रेंड बना है ना कि सिलेक्शन यहाँ से होता है, रिजल्ट यहाँ से आता है, मैंने सारे टॉपरों से बात की और मैं तुमको 100% बता सकता हूँ, उन टॉपर्स के सिलेक्ट होने का सिर्फ एक रीजन था, सेल्फ स्टडी और कुछ नहीं। तो बेटा आप कोटा में आए हो, यहाँ आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छा मटेरियल मिल रहा है, बहुत बढ़िया सब चल रहा है, पर सेलेक्ट सिर्फ तभी होगे जब तुम सेल्फ स्टडी बहुत धुआंधार कर रहे होगे। क्या बायो नहीं पढ़ रहे यार, कैटरपिलर नीट में टॉप 50 में 3 रैंक पीडब्ल्यू से, तुम ये नहीं बता पा रहे हो यार, कोकोन से निकलता है ना, तो बटरफ्लाई क्लास से निकलती है, कोकोन से निकलती है, कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, मैं निकालता हूं, तुम निकालते हो, कैसे निकलता है, खुद से निकलता है। अगर मैं उसका कोकून काट के उसको निकालूं तो वह अपाहिज पैदा होगा। तो इसी तरह से तुम्हें भी अपने कोकून से खुद बाहर निकलना है, तुम्हारा सिलेक्शन सिर्फ तुम पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप दुनिया में देखो तो 3 तरह का बच्चा होता है, कितने तरह का बच्चा होता है, कितने तरह का बच्चा होता है, ठीक है, मैंने कहा कि यहां सामने एक बहुत बड़ी दीवार बनानी है, क्या बनानी है, यहां सामने एक बहुत बड़ी, तो मैंने बच्चा नंबर 1 से बोला कि यहां भैया दीवार बन, क्या नाम है आपका, निखिल, मैंने निखिल से बोला यहां एक दीवार बनानी है, तुम्हारे नाम पे है, लड़कियां बड़ा शोर मचा रही है निखिल, अच्छा तो मैंने भी करने आराम से टॉप 50 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 39 भी है, सुनेगा सेना।
वो आती है भाई आप लोग के यहाँ से। 50 में 3 AIR इस बार आए हैं, अगले साल 30 आने चाहिए और रिजल्ट आना चाहिए भैया यहीं से। तो मैंने आपको बताया कितने तरह के बच्चे होते हैं, एक निखिल जैसा। मैंने कहा दीवार बनानी है तो निखिल आया। अरे 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 ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भाई, कह रहा नहीं एक्सेप्ट वन, ये कह रहा है एक्सेप्ट थ्री। अरे अरे दादा, तो मैंने निखिल को बोला कि यहाँ एक दीवार बनानी है, तो निखिल पता है क्या बोलता है? अरे शांत हो जाओ, सुन लो यार, 5 मिनट की मुलाकात है। निखिल क्या बोलता है पता है? हाँ, सुन लो ध्यान से, 5 मिनट की बात करेंगे, कुछ शायद तुमको पते की चीज मिल जाए। तो ध्यान से, 5 मिनट के लिए भाई, सब साथ हो जाए, 5 मिनट के लिए, 5 मिनट ध्यान से, 5 मिनट शांत, बिल्कुल वहां से भी आ रही आवाज बहुत बढ़िया। हाँ 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 भैया, हाँ हाँ, नहीं नहीं आराम से आराम से आराम से बालक, आराम से का कहा भैया, स्टार्ट करना है सर, स्टार्ट करना है।